सरकार इंडेक्स नहीं मानती, इसका मतलब ये नहीं है गरीबी नहीं है। आप लोगों बच्चों को अंडा और हरी सब्जियां पहुंचाइए जिससे कि कुपोषण नहीं हो। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करनी है हमें, हमें चीते और कबूतरों के ऊपर बात नहीं करनी, ना ही हिंदू मुस्लिम पर बात करनी है। ये देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है जिसमें हमारे देश में जो भूख की और कुपोषण की स्थिति है उसके ऊपर जो आंकड़ा हमारे देश का आया है वो बहुत ही अलार्मिंग और भयंकर रैंक आई है हमारे देश की। और इसमें अनफॉर्चुनेटली सरकार ये कह रही है कि वो इंडेक्स ठीक नहीं है। और आज जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो यही बात कहने के लिए है कि आप आंकड़े ना भी देखना चाहें, आप जाइए एक किसी भी बस्ती में चले जाइए, आज देश की किसी भी गांव में चले जाइए, आप देख लीजिए कि किस तरह से लोगों को खाने के लिए बिल्कुल समस्या हो रही है, भूख कितनी बढ़ी हुई है, कुपोषण कितना बड़ा है बच्चों में भी और लोगों में भी। और ये जो पूरी बात है ये एकदम से नहीं हुई है। हमने देखा है कि किस तरीके से सरकार ने जो काम कदम उठाने की ज़रूरत थी वो नहीं उठाए हैं। ये ज़रूर बात है कि कोविड के थ्रू PDS नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो लोगों के लिए एक लाइफलाइन बना है, और साथ ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी जो चलाई गई वो भी लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित हुई, भूख से जो पीड़ित थे लोग उनके लिए। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि दोनों ही चीज़ें PDS और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केवल उन्हीं परिवारों को मिली, उन्हीं लोगों को मिली जिनके पास राशन कार्ड है। ऐसे हमारे देश में करोड़ों परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन वो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, हाशिए पर रहते हैं, और क्योंकि कोटे भर गए और क्योंकि आपकी जो सेंसस है वो वापस हुआ नहीं है 2011 के बाद, उनमें से किसी को भी राशन कार्ड नहीं मिला है और उनके पास गेहूं चावल जो PDS में मिलता है वो भी नहीं पहुंच रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का जो है कॉग्निसेंस लिया है, और सुप्रीम कोर्ट हम ही नहीं कह रहे हैं, ग्लोबल हंगर सर्वे ही नहीं कह रहा है इंडेक्स, सुप्रीम कोर्ट में जज ने भी कहा कि हम जानते हैं कि लोग पानी पीकर अपने पेट पर कपड़ा बांध कर सोने पर मजबूर हो रहे हैं रात में, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें तुरंत राशन दिया जाए जिससे कि उन्हें भूख का सामना ना करना पड़े। उसके बावजूद उस ऑर्डर को आए हुए भी 1.5 साल होने वाला है, आज तक ऐसे किसी परिवार को, किसी इंसान को राशन नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार द्वारा राशन NFSA के तहत जो कि उन्हें राशन पहुंच सके। देखिए, प्रायोरिटी सरकार की बहुत क्लियर होनी चाहिए है। जिस देश में इस तरीके की गरीबी है और सर्वे पे सर्वे बता रहा है कि कितने करोड़ों लोग कोविड के थ्रू गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए हैं, इकोनॉमिक रिसेशन कोई ऐसा नहीं है कि छुपा है, ग्लोबली भी चल रहा है, हमारे देश में भी चल रहा है, लेकिन केवल ये कहने से कि हम विश्व गुरु हैं तो हम नहीं बन जाएंगे। और ये समझना होगा कि सरकार यदि चाहती है कि सही से इंडेक्स के अंदर भारत का नंबर आए तो ठीक एडिक्वेट एक्शन लेना होगा। सरकार इंडेक्स नहीं मानती, इसका मतलब ये नहीं है कि भूख नहीं है, सरकार इंडेक्स नहीं मानती इसका मतलब ये नहीं है गरीबी नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार इन सब चीज़ों को छोड़े कि ये कोई इंडेक्स आया है हमारा नाम खराब होने के लिए आया है, और जो वास्तविक बात है, जो कोर्ट्स कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं सरकार को, जो लोगों को देखने पर समझ में आ रहा है, आप ये समझ लीजिए कि कोविड से पहले जो असंगठित क्षेत्र में लोग काम कर रहे थे, अगर कोई 10,000 रुपये महीना कमाते थे, वो आज आपको बताएंगे कि आज 2,000 कमाने भी मुश्किल हो रहे हैं। तो ऐसे में कहाँ से लोग कमाएंगे, कहाँ खिलाएंगे अपने आप को और अपने बच्चों को? तो कुपोषण और भूख तो बढ़ेगा ही, उसमें किसी इंडेक्स को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर प्रायोरिटी धर्म की लड़ाई को बढ़ाना है
तो वो ही बढ़ेगी और सरकार को भी इसका फिर जवाब देना ही होगा, क्योंकि लोग तो कितनी देर तक भूखे रहेंगे और अपने बच्चों को भूखा रखेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सरकारें इस तरीके की बातें ना करें कि ये गलत इंडेक्स हैं और ये हमें बदनाम करने के लिए इंडेक्स बनाए जा रहे हैं, और तथ्य देख लें कि ज़मीन पर क्या हो रहा है और उसके ऊपर एक्शन रखें। देखिए, सेंसस होता है हमारे देश में हर 10 साल पे। इस बार कोविड के कारण सरकार ने 2021 में कहा कि हम नहीं कर रहे अभी सेंसस, लेकिन अब हम 2022 के अंत में बैठे हैं और अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया है सरकार के द्वारा, वो कह रहा है कि हमने फिक्स नहीं करा कि कब सेंसस होगा। आप सेंसस ही नहीं करेंगे, जनसंख्या बढ़ी भी, गरीब परिवारों की संख्या बढ़ी भी, सरकार के पास ना डेटा होगा, ना लोगों के पास डेटा होगा और ना ही लोगों तक लाभ पहुंचेंगे जो ज़रूरत है। तो जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या में अगर बढ़ रही है तो जो लोगों को ज़रूरत है वो हमारे संवैधानिक अधिकारों को जो देने की काम लोकतंत्र में सरकार को करना है, उससे सरकार नहीं बच सकती है। देखिए, जनसंख्या का मुद्दा बनाने से आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि आप भूखे रहिए। अगर जनसंख्या बढ़ रही है वो मानकर आप सही से आप लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती कोई सरकार। हमारा संवैधानिक अधिकार है भोजन का अधिकार, क्योंकि वो जीने के अधिकार से जुड़ा है। तो वो संवैधानिक अधिकार, जनसंख्या बढ़ रही है या कुछ और हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश का हर एक नागरिक, हर एक बच्चा जो इस देश में पैदा हो रहा है, उसे अधिकार है कि वो सम्मान के साथ विद डिग्निटी अपनी लाइफ लीड करे, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि भूख से ना। देखिए, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ पर अगर सरकार कह देगी हम काम ही नहीं करेंगे तो फिर सरकार इस्तीफा दे दे, क्योंकि अगर सरकार इसको रिजॉल्व नहीं कर सकती इश्यूज़ को तो सरकार का क्या फ़ायदा है फिर। तो ये बात नहीं हो सकती कि देशों में सेंसस होना बंद हो जाएगा क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। सरकार को जो अपना काम है, सेंसस का काम है, वो करना ही होगा, और नहीं तो सरकार बहुत क्लियर है कि सरकार इज फेलिंग इन इट्स ड्यूटी। मैम, मगर जिस तरीके से अभी ये इंडेक्स आया है तो उसका दोष भी जो है मुस्लिमों पे मढ़ा जा रहा है कि भाई वो इतनी तादाद में बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए मोहन भागवत नियंत्रण कानून जो है ला मांग कर रहे हैं। देखिए, ये सारे डाइवर्शनरी टैक्टिक्स हैं, ये सारे राजनीति के नाम पर जो पॉलिटिक्स है, धर्म के नाम पर जो राजनीति है, वो तरीके हैं। सीधी बात है कि कहीं पर भी आप देख लीजिए और हमारे देश में भी देख लीजिए, एक इकोनॉमिक लेवल पर सब धर्मों के बच्चे एक जितने ही होते हैं। तो अब अगर हम ये कहना शुरू हो जाए कि आप मुझे बताइए कि जो संतोषी, जो बच्ची जिसकी मृत्यु हुई क्योंकि उसका राशन कार्ड कैंसिल हो गया था, राशन नहीं पहुंच रहा था, क्या वो मुसलमान थी? हम अगर अपने देश में देख लें, आज मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सभी वर्गों के लोग, सभी वर्गों के बच्चे आज भूख से पीड़ित हैं, अगर वो हाशिए पे रह रहे हैं और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। तो ये सारी बातें डाइवर्जन की बातें हैं, सरकार को असली मुद्दे की बात करनी चाहिए। सरकार आई ये कहकर कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, हम ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सरकार ये कहकर आई कि हम लोगों का भला करेंगे, सरकार को उसी पे जवाबदेह होना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि कभी हिंदू मुस्लिम की बात होती है, कभी चीतों की बात होती है, कभी कबूतरों की बात होती है। हम भ्रमित नहीं होना चाहते, हमें तो सरकार को ये कहना होगा कि हम इन चीज़ों में नहीं इंटरेस्टेड, आप हमें बताइए कि भूख और कुपोषण के ऊपर आप क्या कर रहे हैं। शुरू से बात हो रही है कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं भी है, आप उन्हें राशन दीजिए, और राशन केवल गेहूं चावल नहीं, पोषण देने के लिए फूड बास्केट को एक्सपेंड करिए, आप थोड़ी दाल भी लोगों तक पहुँचाइए, ऑयल, कुकिंग ऑयल लोगों तक पहुंचाइए, आप लोगों बच्चों को अंडा और हरी सब्जियां पहुंचाइए जिससे कि कुपोषण नहीं हो।
इन सब चीज़ों के ऊपर बात करनी है हमें, हमें चीते और कबूतरों के ऊपर बात नहीं करनी है, ना ही हिंदू मुस्लिम पर बात करनी है। ये सारी बातें गुमराह करने के लिए हैं और इसलिए ये भ्रमित करने वाली बातें ज़्यादा देर नहीं चल सकती, क्योंकि मंशा होनी चाहिए। मेरे पास कुछ भी हो, यदि मेरी मंशा नहीं है कि वो मैं पहुँचाऊँ लोगों तक, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल अनाज खराब होने की खबरें आ रही हैं। ये सही बात है कि प्रोक्योरमेंट भी कम कर दी है सरकार ने, जो वीट है, राइस है, उसकी प्रोक्योरमेंट भी कम हुई है वीट की, तो ये समस्याएं हैं। लेकिन फिर भी अनाज गोदामों में भरे हैं और अगर सरकार नहीं उनको पहुंचा रही ऐसे परिवारों तक जहां पर भूख है, तो वो सरकार को सोचना होगा और जवाबदेह होना होगा इन सब चीज़ों। मैंने आपको बिल्कुल कहा कि भ्रष्टाचार का मामला भी है राशन में, लेकिन भ्रष्टाचार का अगर मामला होता है तो जब भ्रष्ट अधिकारी गलत लोगों का राशन कार्ड बना रहे हैं और सही लोगों का राशन कार्ड नहीं बना रहे, तो किसकी जिम्मेवारी है कि उसे रोका जाए? वो तो सरकारी अधिकारी हैं, तो सरकार का काम होता है कि वो भ्रष्टाचार को रोके। और ये तो सरकार ही ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी, जो आई ही ये कहकर कि हम भ्रष्टाचार विरोधी सरकार हैं। तो आज भी अगर हम ये सुनते हैं और सरकार ये कहती है कि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत लोगों के पास राशन कार्ड है, तो भैया भ्रष्टाचारियों को पकड़ते क्यों नहीं हैं आप? जो भ्रष्टाचार से लड़ने के ढांचे हैं उन्हें क्यों नहीं सशक्त कर रहे हैं? देखिए, राशन जो हाशिए पर रह रहे हैं, गरीब परिवार हैं, उन सबको मिलना चाहिए और बिना किसी शर्त के मिलना चाहिए। ये शुरू से कहा जा रहा है, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है। आज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी राशन कार्ड्स हैं, केवल लाल, पीला, हरा, नीला सब हटा दिए गए हैं। लेकिन सरकार कम से कम लोगों को राशन कार्ड तो दे, और ऐसे लोगों को जिनको राशन की ज़रूरत है, जो कि भूख से पीड़ित हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उन्हें ना राशन कार्ड दिया जा रहा है और ना ही राशन मिल रहा है। तो फ़ायदा क्या हो रहा है फिर इस तरीके के प्रणाली का? इसके बावजूद के सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगा रही है सरकार को और कह रही है कि आप राशन पहुंचाइए। देखिए, हमने आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये इसीलिए की है कि सरकार पे दबाव बनाना ही होगा, कि सरकार को समझना है ये बात। ये केवल कह के कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हम नहीं मानते, हम और किसी इंडेक्स को नहीं मानते, नहीं चलेगा। और मैं नहीं कह रही हूँ कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो एक्स्ट्रा 5 किलो राशन मिल रहा है राशन कार्ड धारियों को, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वो केवल राशन कार्ड धारियों को मिल रहा है, तो ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें ना तो राशन मिल रहा है PDS के तहत और ना ही PMGKY के तहत। तो ऐसे लोगों को भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है, वो भूख से प्रताड़ित हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, उसमें आप सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसे तमाम लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास तो गेहूं चावल भी आज नहीं है, और जिनके पास राशन कार्ड है भी, उनको केवल गेहूं चावल देने से काम नहीं चलेगा, कुपोषण फिर भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगर हम हमारे बच्चे केवल गेहूं चावल खाएंगे नमक के साथ में, तो पोषण नहीं मिलता। दाल, हरी सब्जी, तेल और जो तमाम अंडा और इस तरीके के प्रोटीन वाले न्यूट्रिशियस वो हैं, वो उनको लोगों को पहुंचाने की ज़रूरत है।